إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين ये तीन इब्तदाई आयतें तर्जमे और तफसीर के साथ आपके सामने पेश कर दी गई थी और ये बताया गया था कि इन तीनों आयतों में अल्लाह ताला की अलग अलग सिफात बयान की गई और चौथी आयत जो सूरह फातिहा के बिल्कुल दरमियान में है बीच में आप देख लीजिए तीन आयतें ऊपर हैं और तीन आयतें नीचे हैं और उसके बिल्कुल बीचों बीच उसके बिल्कुल दरमियान में सूरह फातिहा की आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ए अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं इसका तर्जमा इय्याका नअबुदु सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं व इय्याका नस्तईन और सिर्फ आप ही से मदद मांगते हैं तो गोया कि सूरह फातिहा की ये चौथी आयत सूरह फातिहा का खुलासा और निचोड़ है इसको अल्लाह ने दरमियान में भी रखा है इसमें जो चीज बंदे को सिखाई गई है बल्कि अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है एक मुआहिदा तो वो था जो इंसानों के पैदा होने से पहले हुआ था जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को चींटी की शक्ल में आलम बरज़ख में इस दुनिया से ऊपर जमा किया सबको कुरान मजीद में उसका जिक्र है फिर सबको जमा करने के बाद उसमें गोरे भी थे काले भी थे खूबसूरत भी थे बदसूरत भी थे मुसलमान भी थे काफिर भी थे अल्लाह के बागी भी थे सबको जमा किया और जमा करने के बाद अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं देखिए जब रब का लफ्ज आ जाए तो फौरन तीनों माना आपके जहन में आ जाने चाहिए पालने वाला पैदा करना परवरिश करना और फिर एक लिमिट तक इंतहा तक पहुंचाना तो अल्लाह ताला ने उस वक्त इस दुनिया के पैदा करने से पहले इंसानों से पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम क्या मैं तुम्हारा रब नहीं तो तमाम इंसानों की रूहों ने इकरार किया कालु बला हां आप ही हमारे रब हैं ये अहदो पैमान और ये वादा अल्लाह ताला से आलमी बरज़ख में दुनिया के उस पार हो चुका है हम ये कहें कि हमें याद नहीं तो ये उज्र चलने वाला नहीं बहुत सी चीजें याद किया अल्लाह ताला ने हमको हमारी मां के पेट से पैदा किया हमें याद नहीं लोग बताते हैं तो मान लेते हैं मानते नहीं मानते हमें ये याद नहीं कि हमारे अब्बा फलां हैं और हमारी वालिदा फलां हैं लेकिन लोगों में मशहूर होता है और पता चल जाता है कि हमारी वालिदा हैं हमारे वालिद हैं हमने तो जिस घड़ी में हम पैदा हुए थे हमने अपने वालिदा को देखा था अपने वालिद को देखा लोगों ने बताया मान लिया तो अल्लाह ताला ने उस अहद को याद दिलाने के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम को भी भेजा और किताबों को भी अल्लाह ने दुनिया के अंदर नाजिल फरमाया ताकि वो अहद जो आलम बरज़ख में
इस दुनिया से पहले इंसानों से लिया जा चुका था, वो इंसानों को याद आ जाए। इंसान के दिल में अल्लाह ने सही फितरत और सही समझ डाल दी है। अगर खारजी असबाब दुनिया की बुराइयां इंसान को अगर बुराई की तरफ न ले जाए तो कोई भी इंसान सिर्फ तौहीद की तरफ चलेगा। ये उसकी फितरत है, अल्लाह ने उसकी फितरत ऐसी बनाई है। इंसान तौहीद की तरफ चलेगा, सही रास्ते की तरफ चलेगा, अल्लाह को छोड़कर वो किसी और की इबादत नहीं करेगा। ये अल्लाह ने उसकी फितरत बनाई है। लेकिन दुनिया का माहौल, दुनिया की कशिश, शैतान, इंसान का नफ्स, ये सब मिलकर इंसान को वरगलाते हैं। हदीस शरीफ में आता है, कुल मौलूद यूलद अलल फितरा, हर बच्चा सही फितरत पर पैदा होता है। उसके वालदैन उसको यहूदी बना देते हैं, उसके वालदैन उसको नसरानी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं, उसके वालदैन उसको मजूसी आग परस्त बना देते हैं। बच्चा तो सही फितरत लेकर आया था, लेकिन दुनिया के लोगों ने उसकी फितरत को, उसकी तबीयत को मस्क कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। तो मैं यहां पर सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने वहां हमसे एहद लिया था, फिर अल्लाह तबारक ताला से हम सूरह फातिहा में एहद कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ और सिर्फ आप ही की इबादत करते हैं और सिर्फ आप ही से मदद चाहते हैं। यानी बहुत बड़ा दावा है, आसान नहीं है यह दावा करना कि हम सिर्फ आप ही की इबादत करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को और जिन्नात को जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो इबादत है। सूरह ज़ारियात में ग़ालिबन अल्लाह ने फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और कुरान मजीद में बार बार आप उठाकर देखिए, अल्लाह ताला इंसानों से कहता है वअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। अब यहां पर एक बात ये हमारे सामने आती है कि इबादत के माना और मतलब क्या है, इबादत कहते किसको हैं, एक सवाल ये पैदा होता है। अगर हम इबादत के माना डिक्शनरी में तलाश करते हैं और दूसरी जबान में देखिए, एक तो होता है दूसरी जबान में मुंतकिल करना, अगर आप इसका तर्जमा करेंगे तो आपको हिंदी जबान में, फारसी में, अंग्रेजी में अलग अलग तर्जमे मिल जाएंगे। हिंदी में अगर इबादत का तर्जमा होगा तो उसका मतलब होगा हम सिर्फ और सिर्फ आप ही की पूजा करते हैं। इबादत के माना हिंदी में जो अदा किए जाएंगे वो पूजा से अदा किए जाएंगे, और फारसी में अगर इस लफ्ज को अदा करेंगे तो परस्तिश के माना में इस्तेमाल होगा। और अंग्रेजी में जब हम इबादत का तर्जमा और ट्रांसलेट करेंगे तो उसके माना वर्शिप के होंगे। लेकिन इबादत का ये पूरा मफहूम अदा नहीं हुआ, ये तो एक शक्ल है, पूजा वर्शिप और परस्तिश कहते हैं, ये तो उसका एक हिस्सा है। इसका मतलब होता है किसी के सामने अपने आप को बिल्कुल जलील कर देना, ऐसे आमाल करना, ऐसी हैत के साथ पेश आना कि दूसरे के सामने बिल्कुल जलील कर दें। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत से आमाल सिखाए हैं, जैसे नमाज है, नमाज में हम अल्लाह के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं, नमाज में हम अल्लाह के सामने रुकू करते हैं, झुक जाते हैं, आधे झुक जाते हैं, नमाज में हम अल्लाह के सामने अपनी इस पेशानी को अपने सामने झुका देते हैं।
आपने देखा होगा जो हमारे बिरादरान वतन है वो भी अपने बुतों के सामने अपनी पेशानी टेक देते हैं। तो ये गोया के उनके यहां भी एक इबादत की शक्ल है। तो ये तो एक इबादत की शक्ल हुई, अपने आप को किसी के सामने जलील कर देना और खास आमाल बजा लाना, खास आमाल करना। रोजा है, अल्लाह ताला ने रोजा रखने का हुक्म दिया है, खास अंदाज में अल्लाह के लिए रोजा रखा जाएगा। अल्लाह ने हज करने का हुक्म दिया है, सफा मरवा के दरमियान दौड़ा जाएगा। ये इबादत की शक्लें हैं। इबादत का इससे वसी मफहूम है, इससे फैला हुआ मफहूम है। उसके माना के अंदर पूजा वर्शिप और परस्तिश से ज्यादा बड़ा हुआ मफहूम है कि अल्लाह की मुकम्मल इताअत करना। जब हम कहते हैं इया का नाबुदू तो इसका मतलब यह भी होता है अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही पूजा करते हैं, सजदा तेरे अलावा किसी को नहीं करेंगे, रुकू तेरे अलावा किसी को नहीं करेंगे, नमाज में जिस तरह हाथ बांधकर खड़े होते हैं तेरे अलावा किसी के सामने नहीं खड़े होंगे, रोजा जिस तरह हम तेरे लिए रखते हैं किसी और के लिए नहीं रखेंगे, बैतुल्लाह का तवाफ हम करते हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, हम इस तरह किसी घर के इर्द गिर्द तवाफ नहीं करेंगे, हम सफा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं, यह आपका हुक्म है और इस तरह ये एक तरीका हमें सिखाया गया है, हम सफा और मरवा की पहाड़ी के अलावा किसी पहाड़ी के चक्कर नहीं लगाएंगे, और जमजम के अलावा जमजम को पीने का उसको जिस्म पर मलने का हुक्म दिया गया है, उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है, शिफा रखी है, उस पानी के अलावा हम किसी पानी को मुबारक नहीं समझेंगे, इबादत के तसव्वुर के साथ उसको नहीं पिएंगे। तो ये जो है इसके माना है हम तेरी ही पूजा करते हैं और तेरी ही इताअत और फरमा बरदारी करते हैं, मुकम्मल इताअत और मुकम्मल फरमा बरदारी आप ही की करते हैं, आपके अलावा किसी की इताअत नहीं करते, ये मतलब है। और जो इबादत यानी और अल्लाह ताला ने जिनकी इताअत करने का हुक्म दिया है, रसूल की हम इताअत करते हैं, तो रसूल की इताअत इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने हमें इताअत करने का हुक्म दिया है, और अल्लाह ताला ने वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया है, वह भी वालिदैन एहसान, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, उनकी इताअत और फरमा बरदारी करो। लेकिन अगर वालिदैन गुनाह का हुक्म देंगे हम वालिदैन की इताअत नहीं करेंगे। हम और ज्यादा इस मानवा को फैलाव के साथ समझना चाहें तो समझिए कि अब्दुल कहते हैं गुलाम को, यह अरबी जबान का लफ्ज है, उसी से इबादत निकला है, अब्दुल के मानी है गुलाम। पहले जमाने में गुलाम हुआ करते थे, अल्लाह का शुक्र है आज दुनिया के अंदर गुलामी खत्म हो चुकी है, एक आका होता था एक गुलाम होता था, तो अब्दुल की मानी गुलाम है। तो गुलाम को यह हुक्म था कि वो आका की हर वक्त जिस वक्त आका उससे कहे जहां कहे वो उसकी बात को माने। अब्दुल के मानी यानी इबादत करने के लिए है, पूजा करना और बात को मानना। यह गुलाम को हुक्म था कि वो अपने आका की बात को जहां भी वो माने, अगर आका ये कह दे कि तुम्हें हुकूमत करनी है जाकर के, अपने गुलाम से ये कह दे कि तुम्हें तख्त पर बैठना है तो तख्त पर बैठना है, अगर आका ये कह दे अपने गुलाम से कि तुम्हें झाड़ू लगानी है तो झाड़ू लगानी है, अगर आका अपने गुलाम से ये कह दे कि तुमको बर्तन धोने हैं तो बर्तन धोने, ये गोया के अब्द का लफ्ज है, उसके माना गुलाम के हैं, और गुलाम के माना है कि वो अपने आका की इताअत करे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने गुलाम को आका की इताअत का हुक्म दिया, लेकिन दो चीजों में गुलाम को भी कह दिया गया, दो चीजों में अपने आका की इताअत नहीं कर सकता। नंबर एक, जहां पर अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो वहां पर गुलाम अपने आका की इताअत नहीं करेगा, उसकी बात नहीं मानेगा। मिसाल के तौर पर अगर आका मालिक
अपने गुलाम से कहता है कि तुम शराब पियो, इसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही, तो गुलाम कहेगा कि मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा। आका ने कहा कि तुम जिनाकारी करो, तो गुलाम कहेगा कि इसमें अल्लाह की नाफरमानी है, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। तो जैसे कि मैंने अर्ज किया कि आका को ऐसी बात का हुक्म नहीं देना चाहिए जिसमें अल्लाह की नाफरमानी है, और दूसरे ये कि आका कोई ऐसा हुक्म अपने गुलाम को नहीं दे सकता जिसमें जुल्म है। मिसाल के तौर पर गुलाम बेचारा कमजोर है, वो सिर्फ 20 किलो वजन उठा सकता है। आका ने कहा नहीं, तुम्हें ये 50 किलो की बोरी और गड्ढा जो है तुमको उठाना है। अब जाहिर सी बात है वो 20 किलो मुश्किल से उठा पाता है, और आका ने उसको ये हुक्म दे दिया कि वो 50 किलो उठाए, तो गोया उसको बहुत मजर्रत और नुकसान पहुंचाएगा, ये उसके साथ जुल्म है। और कुरान मजीद कहता है, अल्लाह ताला कहता है, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल्आबीद, कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता, तो मालिक को भी ये हुक्म दिया गया कि वो अपने गुलाम पर जुल्म ना करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे तो उसमें कोई भी शर्त नहीं है, बिल्कुल उमूमी तौर से अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह को बिज़ात समझकर, बिज़ात का मतलब यानी सिर्फ अल्लाह ही की जात इबादत के लायक, फरमाबरदारी के लायक है, उसमें किसी तरह का कोई भी इस्तिस्ना और कोई भी शर्त नहीं लगाई जाएगी। जैसे गुलाम के लिए क्यों नहीं, देखिए गुलाम के लिए दो शर्त लगाई गई थी कि वो अपने आका की इताअत तो करेगा लेकिन जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो उसमें इताअत नहीं करेगा, और दूसरे ये कि अगर उस पर जुल्म हो रहा हो तो वो जुल्म वालिद की इताअत नहीं करेगा, मजलूम नहीं बनेगा, वो मना कर देगा कि मैं जुल्म को नहीं सह सकता, ये जायज नहीं। अब ये दोनों चीजें अल्लाह के सिलसिले में ये शर्त नहीं लगा सकते, लगाई जा सकती, इसलिए कि अल्लाह ताला अपनी नाफरमानी का हुक्म अपने बंदों को दे नहीं सकता। अल्लाह ताला अपनी नाफरमानी का हुक्म क्यों देगा, और दूसरी ये चीज कि अल्लाह ताला बंदों के साथ जुल्म कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला तो सराफा अदल है, अल्लाह ताला तो सराफा इंसाफ है, अल्लाह के यहां तो अदना सा जुल्म भी, एक जर्रे के बराबर भी जुल्म भी किसी इंसान पर हो ही नहीं सकता। तो गोया की इबादत का ये मफहूम हमारे सामने निकल कर आया कि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पूजा करनी है, अल्लाह के अलावा किसी के सामने जो नमाज की हालत है और इबादतों की हालत है दूसरे की हमें पूजा नहीं करनी है, और सिर्फ अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह के अलावा किसी की इताअत नहीं करनी है। हाँ, जिनका हुक्म अल्लाह ने इताअत करने का दिया है, जैसे रसूल की इताअत, वालिदैन की इताअत, असातिज़ा की इताअत, इनकी इताअत हुदूद में रहकर करनी है। एक सहाबी है, मैं आपको एक दूसरे का एक वाकया सुनाता हूं कि क्या मतलब होता है। अमीर की इताअत, अमीर की इताअत फर्ज है, जमातों में भी अमीर बनाए जाते हैं, सफर का भी अमीर बनाया जाता है, जैसे तीन लोग सफर कर रहे हैं तो एक को अमीर बना लीजिए, तो अमीर की इताअत करना फर्ज है, ये कहा जाता है। लेकिन अमीर की इताअत अल्लाह की जहां नाफरमानी हो रही हो वहां अमीर की इताअत नहीं की जाएगी। बाद सहाबा किसी जिहाद में किसी गजबे के लिए तशरीफ ले गए, सहाबा इकराम, तो वहां पर जो सहाबा के अमीर थे, जो फौज के कमांडर थे, उन्होंने जंगल से लकड़ियां मंगाई और उन लकड़ियों में आग लगा दी और सहाबा से कहा कि इसमें कूद जा इस आग में। तो जाहिर सी बात है कि ये कूदना ये खुदकुशी थी और खुदकुशी हराम है। हदीस शरीफ में आता है, अगर किसी ने अपने आप को चाकू से मार लिया है तो वो कयामत तक, जब तक उसका हिसाब किताब नहीं होगा, अपने पेट में चाकू घूमता रहेगा। अगर किसी ने अपने आप को डुबो कर मार लिया, दरिया में कूद गया है और डूब गया है, तो कयामत तक जब तक उसका हिसाब किताब नहीं होगा यही अजियत उसको दिलाती रहेगी। अगर किसी ने अपने आप को आग में जला लिया है तो कयामत तक जब तक उसका हिसाब किताब नहीं हो जाता तो उसको आग में जलाया जाता रहेगा, ये हदीस में है।
तो सहाबा ने कहा कि हम इस आग में नहीं कूदेंगे, अमीर की मुखालफत करते, यहां पर अमीर की बात नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि यह अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। लाता से जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो वहां मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी। तो लिहाजा सहाबा वापस आए अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल हमें हमारे कमांडर ने यह हुक्म दिया था कि हम लकड़ी के इस अलाव में और जलती हुई आग में कूद जाएं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम उनकी इताअत कर लेते तो हमेशा आग में रहते और आग से ना निकलते। तो ये बिल्कुल साफ और वाज़े अंदाज में बता दिया गया कि अल्लाह की इताअत हमें बिल्कुल हर हाल में करनी है और बंदों की इताअत वहां करनी है जहां अल्लाह ने हुक्म दिया है। वालिदैन ने अगर हमसे ये कहा कि तुम हमें मंदिर छोड़ा या हमें गिरजा घर छोड़ा, अल्लाह ना करे किसी के वालिदैन काफिर हैं और वालिदैन ने कहा कि हमें मंदिर लेकर चलो हम पूजा करना चाहते हैं, तो आप जो है उनका तआवुन इसमें नहीं करेंगे, इसलिए कि इस्म पर गुनाह पर तआवुन है। वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, कुरान मजीद कहता है गुनाह के कामों में और बुराई के कामों में एक दूसरे का तआवुन मत करो, एक दूसरे का साथ ना दो। तो वालिदैन की इताअत फर्ज है। यहां तक कि हदीस शरीफ में आता है अगर कोई नमाज भी पढ़ रहा है और उसके वालिदैन परेशानी में हैं और वो आवाज लगा देते हैं तो उसको चाहिए कि नमाज भी तोड़ सकता है वालिदैन की इताअत के लिए, लेकिन जहां वालिदैन नाफरमानी का हुक्म दे रहे हो वहां पर वालिदैन की इताअत और उनकी फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। तो मैं इबादत के एक हिस्से को बता रहा था, एक हिस्से का मतलब है अल्लाह की पूजा कि सिर्फ और सिर्फ हम आप ही की इबादत करते हैं। इसलिए बादशाह एक ऊंट था जो पागल हो गया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है, एक ऊंट पागल हो गया। सहाबा इकराम दौड़े दौड़े आए और कहा अल्लाह के रसूल एक ऊंट जो है पागल हो गया है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा चलिए मेरे साथ चलिए, कहां पर है वो? कहा अल्लाह के रसूल एक चार दीवारी है, हमने उसमें उस ऊंट को बंद कर दिया है। अल्लाह के रसूल ने दरवाजा खोला और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो वो ऊंट दूसरे किनारे पर था, वो दौड़ा हुआ है। सहाबा कहते हैं हमें डर लगने लगा कि कहीं ये पागल ऊंट अल्लाह के रसूल को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए कि ऊंट की सिफत है वो बहुत भोला भाला जानवर है, एक चार पांच साल का बच्चा भी उसकी नकेल पकड़ कर लेकर चले तो आसानी से चलता है, और कुरान ने उसमें गौर करने का हुक्म भी दिया है फला यंजुरून इला الإبل كيف خلقت, या तुम नहीं देखते अल्लाह ने ऊंट को किस तरह से पैदा किया है। तो बहुत भोला भाला जानवर है, लेकिन जब वो पागल हो जाता है, जब वो मजनू हो जाता है तो फिर वो बहुत खतरनाक होता है, इंसानों की खोपड़ी उतार लेता है। तो अल्लाह के रसूल की तरफ दौड़ा दौड़ा भागा भागा वो ऊंट जो है तेजी के साथ आया। सहाबा कहते हैं हमें अंदेशा और खौफ होने लगा कि अल्लाह के रसूल को नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन वो आया और आने के बाद उसने अपनी पेशानी और अपना सर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों में रख दिया। जब सहाबा ने ये देखा मंजर तो कहा अल्लाह के रसूल ये जानवर आपको सजदा कर रहा है, हम तो ज्यादा हकदार हैं कि आपको सजदा करें, ना मुहक अब ना सुंदरत। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी और कितनी अजीब बात बताई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर किसी को शरीयत मोहम्मदी में मेरी शरीयत में अगर सजदा करने की इजाजत होती तो बीवी को इजाजत होती कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन बीवी को भी सजदा करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सजदे को शरीयत मोहम्मदी में और मेरी शरीयत में बिल्कुल नाजायज करार दे दिया, किसी के लिए सजदा नहीं कर सकते। बाद लोग कहते हैं कि शुक्राने का सजदा कर सकते हैं,
किसी तरह का न इबादत का सजदा न शुक्र का सजदा किसी इंसान के सामने करना जायज ही नहीं। यहां तक के बाद लोग किसी बादशाह किसी देहात में गए थे, वहां पर कुछ मुश्रिक लोग रहते थे, उन्होंने देखा कि साहबा ने वहां जाकर देखा कि वो अपने चौधरी और अपने मुखिया के सामने अपनी पेशानियां झुका रहे और सजदा कर रहे। तो जब वो वहां से लौट कर आए साहबा तो आकर कहा है अल्लाह के रसूल हमने देखा कि फलां लोग जो है फलां देहात में फलां बस्ती में अपने चौधरी के लिए और अपने मुखिया के लिए सजदा करते हैं, तो क्या हम आपको सजदा ना करें। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये बताओ मेरे इंतकाल के बाद मेरी दुनिया से रुखसत होने के बाद मेरी कब्र को सजदा करोगे। कहा नहीं। तो आपने फरमाया सजदा किसी के लिए जायज नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है जो हमेशा जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा से जिंदा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो फना विघात करने वाला है उसको सजदा है नहीं, और दुनिया के अंदर कोई ऐसी जात नहीं है जो फना विघात ना हो। तो इसलिए इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, और इसमें गोया कि ये अल्लाह के सामने हमने दावा किया है कि अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ आप ही की इबादत करते हैं, आप ही की परस्तिश करते हैं, आप ही की इताअत करते हैं, आप ही की बंदगी करते हैं। ये बहुत बड़ा दावा है, ये मामूली दावा नहीं है, और इस दावे को पूरा करना हमारे लिए आसान भी नहीं है, इसलिए कि शैतान हर वक्त हमारे पीछे लगा रहता है। नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो नमाज में वसवसे डालता है, वुजू करने के लिए बैठते हैं तो पाकी और नापाकी का वसवसा पैदा कर देता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी शरीयत आसान शरीयत दी है कि शैतान वसवसे डाल के भी जलील हो जाता है। अब देखिए मिसाल के तौर पर शैतान ने वसवसा डाल दिया और इस तरह से अजीब गरीब अंदाज में हमारे जहन में और हमारे दिल में वसवसे डालता है कि हमको दूसरी रकत में बैठना चाहिए था लेकिन नहीं बैठे, सीधे खड़े हो गए चौथी रकत के लिए, हमारा एक वाजिब छुटवा दिया, तहियात पढ़ना वाजिब है, एक हमारा ये वाजिब छूट गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया कि जब शैतान वसवसे डाले और तुम्हारा कोई वाजिब छूट जाए, तुम्हारा कोई वाजिब वाजिबात में से कोई वाजिब छूट जाए तो फिर सलाम फेरने के बाद दो सजदे और करो ताकि शैतान रुसवा हो जाए और शैतान जलील हो जाए और वो ये सोचे कि देखिए मैंने तो इनकी इबादत को खराब करने की कोशिश की, इन्होंने तो मजीद दो सजदे करके मुझे और जलील कर दिए। बाद दफा शैतान वसवसे डालता है इबादत में, हम वजू करते हैं और वो ये बावर कराता है हमारे जहन में, ये वसवसे डालता है कि वजू नहीं हुआ, तो इंसान को मजबूत हो जाना चाहिए और ये जहन में अपने बात लानी चाहिए कि अल्लाह की इबादत है वजू करना और अल्लाह के तकर्रुब के लिए जब हम वजू करेंगे तो गुनाह झड़ जाएंगे, जो आंख से गुनाह किए हैं वो निकल जाएंगे, जो हाथों से गुनाह किए हैं वो निकल जाएंगे, जो पैरों से गुनाह किए हैं तो पूरी बशाशत के साथ दोबारा वजू कर लीजिए, तो शैतान यहां पर भी जरिए और रुसवा हो जाए। तो कहने का मकसद यह है कि शैतान हमें इबादत से रोकता है, हमारे पीछे लगा हुआ है, हमारा नफ्स हमें इबादत से रोकता है, हमारा माशरा और हमारा माहौल हमें इबादत से रोकता है, बल्कि आज पूरे माशरे के अंदर मस्जिद से कदम बाहर निकालें तो पूरे माशरे के अंदर गुनाहों की आग लगी हुई है, यानी न चाहते हुए भी हमारे कानों में गाना पड़ जाता है, न चाहते हुए भी हम अपनी जबान से गलत बोलने लगते हैं। तो ऐसे माहौल में, इस तरह के माहौल में अल्लाह की इबादत करना वाकई हमारे लिए इंतहाई मुश्किल है, लेकिन ये सब अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह की मदद से हासिल होता है इंशाअल्लाह। अगले वाले हिस्से वहीयाका नस्तईन, अल्लाह की मदद का क्या मतलब है कि अल्लाह हम तुझी से मदद तलब करते हैं, तुझी से हम मदद मांगते हैं, उसकी तशरीह इंशाअल्लाह अगले हफ्ते की जाएगी। पूरी तरह से इंशाल्लाह समझ कर आप कुरान मजीद को लीजिए और पूरी तरह से समझ कर आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कुरान हमारे ऊपर खुलता चला जाएगा, हमारे लिए आसान होता चला जाएगा, कुरान को अल्लाह ताला ने आसान बनाया है।
हर मुसलमान उसको समझ सकता है, बल्कि मुसलमान ही नहीं काफिर भी उसको समझ सकता है, एक यहूदी और एक मजूसी भी उसको समझ सकता है। ये किसी की विरासत नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है कि खास लोग इसको समझेंगे। जो भी मामूली मेहनत करेगा तो इंशाअल्लाह कुरान उसकी समझ में आएगा। और ये बात कुरान में अल्लाह ने बार बार कही है, जो बातें कही गई अल्लाह की इबादत के ताल्लुक से अल्लाह ताला हमें अल्लाह ही की पूजा परस्तिश करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह के अलावा हर एक इताअत से अल्लाह हमें बाज रखे, और जायज इताअत दूसरे लोगों की जो जायज इताअत है अल्लाह ताला वो इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। और मामले में इधर बता, अगर कोई सवाल में मुझे याद नहीं रहता, अगर किसी के जहन में दर्स के ताल्लुक से कोई सवाल हो तो बिल्कुल बेझिझक सवाल पूछ सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है मसाइल भी मैं अल्लाह का शुक्र है मैंने इफ्ता किया है मदरसे से। अपने पर्सनल जो फिक्री सवाल हैं जो दर्स से मुताल्लिक नहीं है, पर्सनल सवाल भी आप किसी वक्त पूछ सकते हैं, फोन नंबर ले सकते हैं, कोई भी मसला पेश आ गया तो पूछकर ही कदम उठाना चाहिए हम लोग। तो किसी के जहन में अगर कोई सवाल हो तो बगैर किसी झिझक के फौरन जो है पूछ सकते। मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, गोया कि हम अल्लाह के जवाब को सुनने के लिए रुक गए, इसको सकता कहते हैं, बस थोड़ी देर के लिए रुक गए। सब आयतों में थोड़ा थोड़ा गैप कर रहे हैं। वो मैंने बताया था कि अब देखिए आप तरावियों के अंदाज में जो होता है, जो पूरी सूरत को पूरी अलहमद शरीफ को एक सांस में पढ़ा जाते हैं, दिल गए गिरा दिन पानी में जो दिए अगर हम लोग फिर से थोड़ा दिन समय थोड़ा दिन लगी आना ताला एक मिनट और मुझे तो देना हो गया। अब ये क्या हुआ, क्या मतलब, गोया कि हमने अल्लाह का जवाब नहीं दिया, अपनी
पैरवी के लिए अपने रसूल की पैरवी के लिए कबूल फरमा, अल्लाह हमें कबूल फरमा ले, अल्लाह हमें कबूल फरमा ले, अल्लाह अपने फजल का मामला फरमा, अल्लाह अपने करम का मामला फरमा, अल्लाह सिर्फ आपकी तौफीक से इबादत की अल्लाह इबादत की रहनुमाई मिलती है, अल्लाह अगर आपकी तौफीक शामिल हाल ना हो तो अल्लाह एक सजदा नहीं कर सकते, अल्लाह एक रुकू नहीं कर सकते, अल्लाह बार सुभान अल्लाह कहने की भी तौफीक नहीं हो सकती, अल्लाह अल्लाह हमारी तौफीक को बढ़ा दे, अल्लाह हमारी तौफीक को बढ़ा दीजिए, ऐ रब्बी करीम हमारी तौफीक को बढ़ा दीजिए, अल्लाह चारों तरफ गुनाहों का सैलाब है, अल्लाह गुनाहों की आग लगी हुई है, अल्लाह इन तमाम बुरी आदत से गुनाहों के सैलाब से अल्लाह गुनाहों की आग से हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह अपना फजल फरमा दे, अल्लाह अपना फजल फरमा दे, अल्लाह अब तो आप करम फरमा दीजिए, अल्लाह बाल सफेद हो चुके, अल्लाह जवानियां गुजर चुकी, अल्लाह हर कदम और हर घड़ी अल्लाह कब्र से करीब होते चले जा रहे हैं, आखिरत से करीब होते चले जा रहे हैं, अल्लाह उसके बावजूद हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, अल्लाह गुनाहों में डूबे हुए हैं, गुनाहों में लतपत हैं, अल्लाह आपकी इबादत से मुंह फेरे हुए हैं, अल्लाह जो इबादत करते हैं उसमें भी रिया आ जाता है, अल्लाह उसमें भी दिखावा आ जाता है, जरा सी नमाज पढ़ने की कुरान पढ़ने की तौफीक मिल जाती है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, अल्लाह तकब्बुर से हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह तकब्बुर से हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आयशा आलिम की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा को चैन और सुकून नसीब फरमा, बीमारियों से हिफाजत फरमा, अल्लाह तमाम मदारिस की, तमाम मसाजिद की, तमाम मकातिब की, उलमा की, तमाम मुसलमानों की, अल्लाह तमाम कलमा को इंसानों की अल्लाह हिफाजत फरमा, अल्लाह आप हमारे वाली हैं, अल्लाह लोग समझ रहे हैं कि मुसलमान तो इतने कमजोर हैं कि इनको चींटियों की तरह मसल दो, अल्लाह हमारे अंदर ईमानी कुव्वत पैदा फरमा दे, अल्लाह अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दे, अल्लाह अपने रसूल का ताल्लुक पैदा फरमा दे, अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, अल्लाह जिन फितनों से और जिन आजमाइशों से और जिन शुरू से आपने पना चाहिए उनसे हमें भी पना का फरमा, अल्लाह जो आपने खैर की, भलाई की, आफियत की अल्लाह दुआएं मांगी अल्लाह उसमें हमारा हिस्सा अता फरमा दे, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाह।